सुप्रभात छात्रों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। भाषा मनी का पेज नंबर 36 निकालिए, कक्षा कार्य लिखिए, तारीख लिखिए, दिन लिखिए। इसके पहले हमने पढ़े थे छोटे उ की मात्रा, आज हम पढ़ेंगे बड़े उ की मात्रा, उ की मात्रा। देखिए उ की मात्रा कैसी रहती है। अब हम यहाँ चित्र देखकर शब्द पढ़ेंगे। देखिए चित्र, यह चित्र है ऊन का, और ऊन से क्या बनती है? स्वेटर। क्या बनती है? स्वेटर। और स्वेटर कब पहनते हैं? ठंड के दिनों में। कब पहनते हैं? सर्दी के दिनों में। पढ़िए ऊन, ऊन। उद, उद्बिलाव, उद्बिलाव रहता है ना, यह देखिए उद। सूरज, सूरज। दू, दूध, दूध। फूल, फूल। कबूतर, कबूतर। यहाँ हो गए उ की मात्रा वाले शब्द, बड़े उ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ देखिए रेड, इसमें उ की मात्रा दी गई है, शब्दों को लगाई गई है। देखिए आओ पढ़े उ की मात्रा वाले दो अक्षरी शब्द। धूप, धूप। जूता, जूता। भू ल, भूल। धू ल, धूल। आलू, आलू। सू ल, सूल। काजू, काजू। सूरज, सूरज। उके मात्रा वाले यह तीन अक्षरी शब्द। तराजू, तराजू। खुशबू, खुशबू। घूमना, घूमना। टूटना, टूटना। तरबूज, तरबूज। उ की मात्रा वाले चार अक्षरी शब्द। खरबूजा, खरबूजा। मजदूर, मजदूर। मशहूर, मशहूर। यहाँ उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा का स्वर अकड़ा होता है और बड़े उ की मात्रा का स्वर कैसे होता है? लंबा होता है। तो इसका स्वर अपने को कैसे लेना है? लंबा लेना है। जैसे सूरज, यानी यहाँ स्वर लंबा लेना पड़ता है। यहाँ देखिए र पर उ की मात्रा लगाए। यहाँ देखिए र, यहाँ व्यंजन पे उ की मात्रा लगाई गई है। रूप, रूप। अमरूद, अमरूद। रूमाल, रूमाल। रूखा, रूखा। अब पेज नंबर 47 निकालिए, समझिए, पढ़िए और लिखिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, तो आपको इन शब्दों को यहाँ बड़े उ की मात्रा वाला अक्षर लगाना है, तो उससे कौन सा शब्द बनता है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है आपको, तो बनाइए। तरा, तरा को जू लगाइए, तराजू। क्या बन गए? तराजू। फिर तराजू लिखिए, आप पेंसिल पकड़िए और तरा, तराजू लिखिए, तराजू।
बा, यहाँ बा, बा, जू, बाजू लिखिए, बा छत की रेखा बनाइए, बा जू, का जू छत की रेखा बनाइए और लिखिए का जू। प्रश्न क्रमांक दो, बोल बोलकर लिखो, बोल बोलकर लिखो। यहाँ 12 खड़ी दी गई है, वहां आपको लिखना है। यहाँ हाँ 12 खड़ी दी गई है, यहाँ आपको यानी 6 अक्षर दिए गए 12 खड़ी के। तो अब हमने आज तक कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है, क से कु तक यानी बड़े ऊ तक पढ़ा है, तो वहां तक आपको लिखना है। लिखिए आप यहाँ ट्रेस कीजिए क को और क लिखिए, फिर का को ट्रेस कीजिए का लिखिए, की को ट्रेस कीजिए की लिखिए, बड़ी की को ट्रेस कीजिए और की लिखिए, छोटा कु ट्रेस कीजिए और लिखिए आप, फिर बड़ा कु ट्रेस कीजिए और लिखिए। फिर प्रश्न क्रमांक तीन देखिए, चित्रों के नाम पूरे करो, चित्रों के नाम पूरे करो। यहाँ चित्र दिया गया है, हमने इसके पहले भी यहाँ चित्र देखा था इधर, तो यहाँ चित्र देखिए, यहाँ दूध है, यहाँ गिलास में क्या है, दूध है, और यहाँ दूध की बोतल है। तो आपको द में बड़ा उकार लगा के दूध, दूध लिखना है, यानी दूध लिखना है, दूध। यहाँ देखिए चित्र, किस चीज का चित्र है, यहाँ सूरज का। तो यहाँ सु बड़ा सु, सूरज, सूरज यानी सु का स्वर आपको लंबा लेना है, सु का स्वर आपको लंबा लेना है, सु र ज सूरज। यहाँ अमरुद, अ म रु, र में बड़ा उकार लगा है, अमरुद, तो इसका रु का स्वर लंबा आएगा, अमरुद। यानी यहाँ आपको छोटा उ और बड़े उ में कौन सा फर्क है, यहाँ चित्रों के द्वारा समझाया गया है। प्रश्न क्रमांक चार, उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो, उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। यह शब्द देखिए चित्र, यहाँ चित्र देखिए, किस चीज का चित्र है, यह कौन सा प्राणी है, भालू, कौन सा प्राणी है, यह भालू, भा ल में बड़ा उकार लू, भालू। यहाँ चित्र देखिए, कौन सी सब, यहाँ सब्जी का चित्र है देखिए, आ लू, ल में बड़ा उकार लू। यहाँ देखिए तरबूज, तरबूज। यहाँ देखिए जूता, जूता। पेज नंबर 48 निकालिए, पेज नंबर 48, प्रश्न क्रमांक 5, समझो और पढ़ो, समझो और पढ़ो। यहाँ आपको छोटा उ और बड़ा उ कैसे बोला जाता है, यहाँ फर्क दिया गया है, तो आपको यहाँ पढ़ना है, समझना है, पढ़ो और समझो। तो देखिए यहाँ छोटे उ की, आपको पहले भी बताया गया है, छोटे उ की मात्रा का स्वर कैसे रहता है, अकड़ा रहता है, तो आपको ये थोड़ा कम स्वर यानी लेके बोलना है। देखिए स, सु, र, सुर, सुर। यहाँ देखिए स में बड़ा उकार लगा है, तो शु, सु, सु, र, ज, सु, र, ज, सूरज, सुर, सूरज, सुर, सूरज। धूल, 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 धूल। खुश, खूब, खुश, खूब। सुख, सुख। हाँ, इसी तरह रुपया, रूप। झूला, झूला। सुना, सुना। चुना, चुना।
इस तरह आपको छोटा उ और बड़े उ में यहाँ फर्क समझाया गया है। छोटे उ की मात्रा के स्वर कैसा होता है? अकड़ा होता है। और बड़े उ की मात्रा का स्वर कैसे होता है? लंबा होता है। अब आपको रंग भरना है। इस चित्र में आपको रंग भरना है। यह चित्र दिया गया है, चित्र में आपको रंग भरना है। यहाँ सूरज का चित्र दिया गया है और यहाँ फूल का चित्र दिया गया है, तो आपको इसमें रंग भरना है। तो यहाँ ग्रह कार्य लिखिए। ग्रह कार्य रहेगा यहाँ, ग्रह कार्य आपको रंग भरना है। प्रश्न क्रमांक सात आओ लिखे। तो यहाँ छोटे मात्रा के शब्द दिए, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं, रुक और रुपया। रुक और रुपया। इधर बड़े ऊ की मात्रा का स्वर दिया गया है, रूपा रूठना। रूपा रूठना यानी यहाँ यहाँ स्वर अकड़ा आएगा और यहाँ स्वर लंबा आएगा। इस तरह आपको यहाँ समझाया गया है। ओके, थैंक यू।